कॉन्फ्रेंस को लोगों ने स्वीकार कर लिया है। इस नाते वो कांग्रेस की जीत नहीं है, झूठा डंका न बजा में वो शामिल बाजा वो झुंझुना की तरह। एक और बड़ा अहम सवाल है सर, बहन कुमारी मायावती जी ने इस पर ये बात कही, उन्होंने कहा कि बीएसपी और आईएनएलडी गठबंधन को कुछ सीटों को छोड़कर जाट समुदाय के वोट नहीं मिले, अपनी जातिवादी मानसिकता के कारण जाट समुदाय ने बीएसपी उम्मीदवारों को बिल्कुल भी वोट नहीं दिया, जबकि बीएसपी का दलित आधार वोट पूरी तरह से आईएनएलडी उम्मीदवारों को ट्रांसफर हो गया। देखिए, चुनाव हारने के बाद आरोप प्रत्यारोप तो ये लगते हैं, चुनाव जीतने के बाद कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाता है। उन्होंने मतलब कहीं ना कहीं जो उनका गठबंधन था उन्होंने उसको लेकर के बात कही कि चौटाला परिवार के अंदरूनी कलह के कारण उनसे जुड़ा जाट वोट का लाभ भी बीजेपी को मिल गया। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, अच्छी है, दंगे नहीं हो रहे हैं, कर्फ्यू नहीं लग रहे हैं। समाजवादी कांग्रेस के लिए अब वो कांग्रेस समझे और सपा समझे उससे हमसे क्या मतलब है। हम लोग एनडीए गठबंधन के लोग हैं, हम लोगों से संजय निषाद जी से विषय में पूछिए तो बताएं, अनुप्रिया पटेल जी के विषय में, भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र चौधरी जी के विषय में पूछिए, ब्रजेश पाठक जी हैं, दयाशंकर सिंह जी के। कांग्रेस में भी आपका बहुत रिश्ता रहा है, क्या लगता है? वो दुलाइन का दोहा रहता है हमारा कि बनत रही तब बनत रही, अब न बनी हमरे तोरे, रंजरा चाहे खुशी रा, तू अपने घरे हम अपने घरे। कॉन्फ्रेंस को लोगों ने स्वीकार कर लिया है, इस नाते वो कांग्रेस की जीत नहीं है, झूठा डंका न बजा में वो शामिल बाजा वो झुंझुना की तरह। एक और बड़ा अहम सवाल है सर, बहन कुमारी मायावती जी ने इस पर ये बात कही, उन्होंने कहा कि बीएसपी और आईएनएलडी गठबंधन को कुछ सीटों को छोड़कर जाट समुदाय के वोट नहीं मिले, अपनी जातिवादी मानसिकता के कारण जाट समुदाय ने बीएसपी उम्मीदवारों को बिल्कुल भी वोट नहीं दिया, जबकि बीएसपी का दलित आधार वोट पूरी तरह से आईएनएलडी उम्मीदवारों को ट्रांसफर हो गया। देखिए, चुनाव हारने के बाद आरोप प्रत्यारोप तो ये लगते हैं, चुनाव जीतने के बाद कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाता है। उन्होंने मतलब कहीं ना कहीं जो उनका गठबंधन था उन्होंने उसको लेकर के बात कही कि चौटाला परिवार के अंदरूनी कलह के कारण उनसे जुड़ा जाट वोट का लाभ भी बीजेपी को मिल गया। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, अच्छी है, दंगे नहीं हो रहे हैं, कर्फ्यू नहीं लग रहे हैं। कांग्रेस के लिए क्या स्थिति रहने वाली है? अब वो कांग्रेस समझे और सपा समझे उससे हमसे क्या मतलब है। हम लोग एनडीए गठबंधन के लोग हैं, हम लोगों से संजय निषाद जी से विषय में पूछिए तो बताएं, अनुप्रिया पटेल जी के विषय में, भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र चौधरी जी के विषय में पूछिए, ब्रजेश पाठक जी हैं, दयाशंकर सिंह जी के। कांग्रेस में भी आपका बहुत रिश्ता रहा है, क्या लगता है? वो दुलाइन का दोहा रहता है हमारा कि बनत रही तब बनत रही, अब न बनी हमरे तोरे, रंजरा चाहे खुशी रा, तू अपने घरे हम अपने घरे।